वो मुझको कहते हैं अहंकारी है। अहंकार मेरे खून में नहीं है। इसी तारीख में माननीय मुख्यमंत्री बताए ना कि उन्होंने बिहार में प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं आने वाली। बड़ा दिलचस्प हो उठा है इस बार बिहार का चुनावी दंगल। नीतीश को कुर्सी से उतारने के लिए मैदान में पांच पांच गठबंधन ताल ठोक रहे हैं। सबकी जुबान पर जीत की दावेदारी भी है। क्या हाल था? 15 साल पति पत्नी को काम करने का मौका मिला था। पति अंदर जाने लगे तो पत्नी को बिठा दिया, लेकिन क्या किया 15 साल? किसी का उत्थान किया? लोग तो पूरे बिहार को अपना एक परिवार मानते, लेकिन कुछ लोगों का क्या है, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। और हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार। आपने देखा होगा कई जनसभाओं में उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश कर लिए हैं, नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, कारखाने नहीं लगाए जा सकते हैं। ये हमेशा हर एक इशू से भागने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं। वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करे, हम भी वहाँ से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहे। तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल ना कर लें। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। जनता का फैसला तो 10 नवंबर को सामने आएगा, लेकिन ज्योतिषियों की क्या राय है, क्या कह रहे हैं आसमानी सितारे? क्या नीतीश फिर इस बार बिहार के सीएम बनेंगे, या फिर बिहार के चुनावी दंगल में इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है? इस बार की जो स्थिति है ना, वो चौंका देने वाली है। इस बार इनके जो पासे हैं कहीं ना कहीं उल्टे पड़ने वाले हैं। लोग कुछ कहेंगे, हो कुछ रहा होगा, रिजल्ट्स कुछ और आएंगे। जो चुनाव होगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद तक की जो स्थिति है इनकी वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। नो डाउट कि नीतीश जी के लिए इस बार इतना आसान नहीं है कि एकदम से लड्डू उनके हाथ में आ जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत उलटफेर कर पाएंगे। लेकिन आप कार्ड को खुद ध्यान से देखिए, कुर्सी पर बंदा बैठा हुआ है, कुर्सी पर से हिल नहीं रहा है और कुर्सी पर कई सालों से वो बैठा है। सुना आपने क्या कह रहे हैं ज्योतिषी? सवाल ये है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? इसे जानने के लिए आइए सबसे पहले खोलते हैं नीतीश की जन्म कुंडली। तो नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 का है, और जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय इनके ग्रह बहुत अच्छे थे, और दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी इनके ऊपर शनि की 7.5 थी, यानी इनकी वृश्चिक राशि है। और लेकिन स्टार बड़े जबरदस्त हैं इनके। अगर इनकी कुंडली को अगर हम देखते हैं तो इनकी कुंडली के अंदर जो स्टारों की गति है वो बड़ी पावरफुल आती है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए कुंडली को, तो आप देखें कि इनकी मिथुन लगन आती है, और इनकी कुंडली में यहां देख रहे हैं कि शुक्र उच्च होकर के बैठा हुआ है। बहुत ही पावरफुल स्थिति में शुक्र है इनका। ये एक राजयोग बना करके बैठा हुआ है जो राज सत्ता देता है। इसलिए एक नॉर्मल आदमी से लेकर के अगर इतने साल कोई मुख्यमंत्री रहता है तो ये एक राजयोग है। इसको बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। इस शनि की भी दृष्टि है यहां पर। इनकी राशि भी वही है जो नरेंद्र मोदी जी की राशि है, और यहां राशि का स्वामी भी केंद्र में नीचभंग राजयोग बना के बैठा है। तो दो राजयोग इनके बहुत प्रबल है, एक केंद्र त्रिकोण राजयोग और दूसरा इनकी कुंडली के अंदर जो राजयोग है वो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है, और तीसरा एक राजयोग है नीच भंग राजयोग। तो ऐसा व्यक्ति जोड़ तोड़ की राजनीति में बड़ा माहिर होता है। नीतीश की कुंडली में ग्रहों के चाल ने उन्हें 2000 में 7 दिन का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 2005, 2010 और 2015 में भी नीतीश मुख्यमंत्री बने, उन्हें राजयोग मिला, सत्ता का सुख मिला। अब देखना होगा कि 2020 में भी ये राजयोग उनके साथ है, उतना ही असरकारी है, या फिर अब साथ छोड़ रहा है। नीतीश जी का कार्ड निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कार्ड ही जो है वो राजा का कार्ड आया। अगर आप ये देख रहे हो छड़ियों का राजा, मेरी तरफ से और मेरे कार्ड की तरफ से पूरी तरह से प्रेडिक्शन है कि नीतीश कुमार ही इस बार मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, ये जो फ्यूचर कार्ड है, ये कार्ड ये कहता है कि वो बनेंगे जरूर, लेकिन वो 5 साल इस बार राज नहीं कर पाएंगे, चाहे उनकी सेहत खराब हो और चाहे पार्टी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक प्रॉब्लम या परेशानी सामने आ जाए। वो 2 साल शासन करेंगे, उसके बाद उनकी जगह कोई और लेगा, ये बिल्कुल पक्का।
टैरो कार्ड तो इशारा दे रहे हैं कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार की संभावना है, लेकिन नीतीश के राजयोग पर खतरा मंडरा रहा है। कुंडली के हिसाब से जो स्थिति इनकी आ रही है, अब इनके ऊपर राहु की दशा चालू हो गई है और राहु की दशा में मुख्यमंत्री बनना इतना आसान होता नहीं है। वही जैसे पहले जोड़ तोड़ करके इन्होंने मुख्यमंत्री पद लिया, पहले लालू के साथ गठबंधन किया, फिर वहां से हटे, फिर छोड़ा, फिर दोबारा से कभी मांझी को बनाया, कभी हटे, तो वो एक वेवरिंग माइंड जो इनका है। जब पिछली बार हमने प्रेडिक्शन की थी उस समय के स्टार इनके बड़े पावरफुल थे, उस समय इनका जो शनि था वो कारक स्थान पर उसका भ्रमण था, पावरफुल स्थिति में था, उनके जुपिटर की स्थिति भी बहुत अच्छी थी, मंगल की पोजिशन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार इनके अगर भाग्य के स्वामी को देखें, यानी अगर हम इस पर गोचर लगाते हैं तो भाग्य का स्वामी इनका इस समय यहां पर है, मृत्यु स्थान में चल रहा है, और अगर भाग्य का स्वामी मृत्यु स्थान में चल रहा हो तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। और पिछली बार तो ये भाग्य का जो स्वामी था इनका, ये पावरफुल स्थिति में था, तो पावरफुल स्थिति में अगर कोई ग्रह होता है तो वो केंद्र में जाकर के अच्छा राजयोग बना देता, तो यहां इस बार इनकी जो कुंडली है वो उलझन पैदा कर रही है। और अगर मैं इनकी चंद्र लगन से भी अगर देख के चलता हूं तो इनके जो राजयोग हैं वो तीसरे भाव में शनि का मूवमेंट है, तो यानी केंद्र में इस बार कोई राजयोग इनका नहीं बन रहा है, तो इस वजह से इनको सत्ता में आने में थोड़ी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। यानी राहु और शनि इस बार नीतीश का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। सवाल ये है कि चुनावी मैदान में नीतीश के लिए राहु और शनि कौन साबित होने वाला है, तेजस्वी या चिराग पासवान? कुंडली के हिसाब से भी जो सितारे आज बिहार की कुंडली के बताते हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं, अगर हम तेजस्वी की बात करें तो कुंभ राशि है इनकी और इस वक्त शनि की सारसती कुंभ राशि पर चल रही है, तो शनि भी इन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट उतना नहीं करता। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि रिजल्ट बहुत खराब होंगे, छवि बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन जनता का ना मूड एकदम जब वोट डालने जाएगी तो सडनली बदल जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन राजयोग हैं नीतीश की कुंडली में, और कहा जाता है कि उनकी कुंडली में जो उनका स्वामी है वो शनि है, जिसने उन्हें एक छत्र साम्राज्य दिया, पूरा सत्ता सुख दिया, लेकिन अब 2020 में उनकी कुंडली का जो स्वामी है शनि वो मृत्यु योग पर बैठा हुआ है, तो यानी 2020 में अब क्या उलटफेर होने वाला है, क्या 2020 का ये चुनाव नीतीश के लिए कुछ अलग नतीजा लेकर आने वाला है? तेजस्वी की कुंडली तो ज्योतिषी खोल चुके हैं, जरा चिराग पासवान की कुंडली भी खंगाल ली जाए। अब चिराग पासवान की हम बात करते हैं, इनका जो जन्म है वो 82 का है, 31 अक्टूबर 82। चिराग पासवान की मीन लग्न की कुंडली है और मीन लग्न है इनकी, तो मीन लग्न तो बड़ी पावरफुल है, तो चिराग पासवान जो है एक ऐसा चेहरा आ रहा है कुंडली के हिसाब से जो नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाएगा, और नीतीश को इतना भारी नुकसान होगा कि जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा होगा। मीन लगन के अंदर अगर देखा जाए और मीन राशि के अंदर भी देखा जाए, डबल राजयोग बनता है इनका। चिराग पासवान की कुंडली बहुत इंटेलेक्चुअल कुंडली है, मीन लगन जल्दी से हारते नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को बहुत कमजोर स्थिति में लेके जाएंगे, उनकी स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। उनका शनि स्वराशि में यहां पर है, तो उनकी जो एक्सट्रीम, जैसे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने कमाल किया, वैसे चिराग पासवान भी यहां बिहार में और तेजस्वी दोनों ही कमाल करने की तरफ जाएंगे, जिसके कारण यहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान होने का योग जबरदस्त बनेगा। नीतीश की कुंडली में भी शनि की 7.5 है और तेजस्वी की कुंडली में भी शनि की 7.5 है, और अगर चिराग पासवान की बात करें तो उनकी कुंडली में भी गोचर का शनि ताल ठोक रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में शनि किसको मालामाल करता है और किसको बेहाल कर देता है। ये नीतीश जी के कार्ड हैं जिसमें वो राजा लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ राजा लिखा है, छड़ियों का राजा, ठीक है। और ये लालू जी के बेटे के कार्ड है जहां तलवारें हैं, मतलब कोशिश बहुत की जा रही है, नाव को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नाव जिसके अंदर बहुत सारे छेद हों। कितना अच्छा ये कार्ड निकला है जो हमें आज बिहार की सही राजनीति बता रहा है कि पिता की छवि की वजह से, पिता की इतनी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं ये किसी कानूनी पचड़े में फड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा राज इनका खुलकर सामने आ सकता है जिनकी छवि इनकी खराब हो सकती है। लेकिन वहीं पासवान जी के बेटे की बात की जाए तो दोनों हाथों के अंदर लड्डू दिखाई दे रहे हैं, धन दिखाई दे रहा है, पीछे समुद्र दिखाई दे रहा है। ज्योतिष के अंदर समुद्र और पानी की विशेषता बहुत ज्यादा होती है, ये देखा जाता है अक्सर कि अक्सर पानी अगर कार्डों में निकले तो वो जीत का कारक बनता है, और ये सेकंड चांस इनको मिल रहा है और बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। पिता रामविलास पासवान के निधन को लेकर चिराग को चुनाव में सहानुभूति वोट मिल सकते हैं,
ये तो चुनावी पंडित भी समझ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश को झटका देने के लिए चिराग की कुंडली के ग्रह योग क्या समीकरण बना रहे हैं। चुनावी चर्चा ये भी है कि चुनाव के बाद चिराग पासवान बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन अगर ग्रह दशाओं की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं तेजस्वी से चिराग पासवान हाथ न मिला लें, क्योंकि एक की कुंडली में गुरु है और दूसरे की कुंडली में बुध, और अगर ऐसा होता है तो बिहार की सियासत में क्या उठा पटक मचेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पांचों में बारी नहीं पड़ती है, अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव मिलते हैं कहीं चुनावों के टाइम पे, ऐसा इनमें आपस में कहीं ट्यूनिंग हो जाती है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार तीसरे चौथे नंबर पे जाएंगे कुंडली के हिसाब से, क्योंकि उन दोनों के उनकी दशाएं बहुत बढ़िया हैं। तेजस्वी यादव की बुध की दशा है और चिराग पासवान की भी दशा बहुत बढ़िया चल रही है, उसकी भी चंद्रमा की दशा चल रही है, दो शुभग्रहों की दशा है, तो जिसके दो शुभग्रह की दशा चलेगी वो जीतेगा, और नीतीश कुमार की राहु की दशा चल रही है तो इसलिए मुझे नहीं लगता। और अगर चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी का तालमेल जैसे बैठा हुआ है अच्छे से तो उस हिसाब से नीतीश फिर भी तीसरे चौथे नंबर पे वो चले जाएंगे, वहां से तेजस्वी यादव भी उनसे आगे जा सकते हैं कि उनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। यानी आसमानी सितारों के मुताबिक बिहार का चुनावी दंगल उम्मीद से ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। वैसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या चुनाव के बाद नीतीश और बीजेपी का साथ छूट सकता है। ब्रेक की बात करते हैं इसकी ज्योतिषीय पड़ताल। नीतीश की सत्ता को चुनौती देने के लिए बिहार में 5 विरोधी गठबंधन बन गए हैं, और ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद बीजेपी का साथ नीतीश से छिटक जाए। तो क्या इस वक्त ग्रहों की जो चाल है वो कुछ अलग ही संकेत नीतीश कुमार को दे रही है। 2020 के चुनाव में सबसे दिलचस्प दावेदारी मुख्यमंत्री पद को लेकर है। नीतीश तो अपनी जगह है ही, उनके 5 और दावेदार जनता के बीच खुद को अगला सीएम बता रहे हैं। देखिए, इनकी जो गोचर की कुंडलियों को स्थिति देखता हूँ तो पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा और ये कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल पाएंगे बिहार की राजनीति में, इनकी तो हवा हवा रहने वाली है खाली, बस बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, 1-2% कई वोटों का नुकसान हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, ऐसा नुकसान नहीं कर। यहाँ पर जो दो पार्टी है, एक तो तेजस्वी की पार्टी जनता दल और दूसरा पासवान की जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो पार्टियां हैं दोनों की दोनों नीतीश को बहुत भयंकर नुकसान करेगी और भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो वहां के जो नेता हैं या टोटल जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको बहुत ज्यादा बढ़त मिलेगी और निष्पक्ष तौर पर क्लियर कट उनको मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। नीतीश कुमार, तेजस्वी, पुष्पम प्रिया चौधरी, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इस बार बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरों की फेहरिस्त बेहद लंबी है। अब देखना ये होगा कि इनमें से कितने चेहरों के भाग्य में राजयोग लिखा है। ये कार्ड भी बहुत खूबसूरत कार्ड निकला है, और देखिए इस कार्ड को हम इस कार्ड से कंपेयर करेंगे, नीतीश जी का कार्ड है और ये भी छड़ी का कार्ड है, और इस बच्ची का भी कार्ड जो है वो छड़ी का कार्ड निकला है। लाल रंग के कपड़े, बेहद खूबसूरत कार्ड, सामने समुद्र, दोनों के अंदर समानता बराबर है। तो नीतीश जी के टक्कर का अगर मैं कहूं कि कोई है तो ये है, नो डाउट युवा इनकी तरफ दौड़ेगा, नो डाउट ये बोलती बहुत अच्छा है। एक बात मैं आज आपको और प्रेडिक्ट करना चाहती हूं, भले ही इस बार कोरोना की वजह से या ये अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले में ये लड़की बिहार की मुख्यमंत्री जरूर बनेगी। उपेंद्र जी के बात की जाए तो ध्रुव तारा का कार्ड निकला है, ध्रुव तारा के बारे में कौन नहीं जानता, मतलब ये जो कार्ड है ये बताता है कि कहीं ना कहीं चीजें बेहतर है। स्टार क्या करते हैं, चमकते हैं, आप भी जानते हैं तारा चमकता है, लेकिन जब बादल सामने आ जाते हैं तो तारा हमें दिखाई नहीं देता, या फिर बहुत ज्यादा फोक हो जाए या बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाए तो तारा हमें दिखाई देता। तो ये चमकेंगे, इनका नाम बड़ा उभर कर आएगा, लेकिन टैंटे फिश हो सकता है इनके साथ, तो इनके बारे में मैं 50-50 के चांसेस जरूर कहूंगी। पप्पू यादव का छड़ी का कार्ड निकला है, तो मैं आपसे इनसे कहूंगी कि पप्पू यादव जी के बारे में, जैसे कि जो बिहार की राजनीति में अभी स्थितियां चल रही हैं, सब सर उठाएंगे, कुछ वोट काट लेंगे, कुछ लोग आपकी तरफ और आकर्षित होते हुए दिखाई देते, लेकिन मुझे फिर भी जितने कार्ड अभी तक आपने मुझसे सवाल पूछे उसमें जो मुझे नीतीश जी का कार्ड दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में यही हाथ मार कर लेकर जाएंगे, लेकिन ये इस बार नीतीश जी आखिरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसके बाद नहीं बने।
बिहार के चुनावी दंगल में नीतीश की किस्मत कौन सी करवट लेने वाली है, तेजस्वी और चिराग की राजनीतिक पारी किस ओर जाने वाली है और नए चेहरों की सियासी पारी कितनी लंबी रहने वाली है, इसे आसमानी सितारों की चाल के लिहाज से हमने परख लिया। अब इंतजार कीजिए 10 नवंबर का, जब जनता जनार्दन के मन की बात दुनिया के सामने खुलेगी।